ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾ ਲਿਆ ਬਿਆਨਾ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 13,30,000 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान नजीम शबीर, आपकी खिदमत में हाजिर है और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रीडम पीपल नेटवर्क सियालकोट। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर आवाम के मसाइल लेके। यहां आज मैं मौजूद हूं सियालकोट के इलाके रंगपुर पुली में, जहां पे कुछ वाक़ा इस तरह का रूनुमा हुआ है कि हाजी मुश्ताक हुसैन नामी एक शख्स थे, उनकी कोई प्रॉपर्टी है शादीवाल स्टॉप पर, वहाँ पर कब्ज़ा किया गया और कब्ज़ा करने के बाद वो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे जिम बनाया है, जिम का भी कुछ इशू बना हुआ है कि यहाँ पे जो सामान है जो दूसरी पार्टी के अफराद है वो कहते हैं यहाँ पे हमारा हिस्सा है। आए हाजी मुश्ताक हुसैन की ज़बानी सुनते हैं, असल में मामला क्या पेश आया है, क्या रूनमा हुआ है, उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। वालेकुम सलाम, की हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र। की रूनमा है तुम्हारे नाम क्या? हाफिज जमील ने पहले मेरा स्कूल हड़प किया है, नजायज मेरे नाल गल्लां बातां करके ने मेरे कोलों असली दस्तावेज इन्हें लेने, असली दस्तावेज लैके दूसरी पार्टी को 80 लाख रुपया लैके मेरे स्कूल का खाना खराब कर दिता है। उस तो बाद मैनू कहा कि मेरे को जिम का समान ए ले लै ते ऐसे काम कर ते एदा समान एने दा ते एने पैसे दे मैनू ते समान ले लै। मैं समान दे पैसे दे के समान ते फिट किया, हूँ कहिंदा जी इहदे विच ते भाईवाल दूसरा ओ दगड़ दलिया, तू पहले ओनू क्लीयर करना सी फिर तू मेरे नाल गल करनी सी। इस बिल्डिंग ते मैं 2.5 साल काम किया, मैं सुपरवाइजर आदमी हाँ, मैं अपनी मर्जी ना बनाया। जिन्होंने जुलम किया कित्थों देना बंदे? ये बंदा है इत्थों दा हाफिज जमील, उंज हाफिज नहीं कहना चाहिए, हाफिज कहना चाहिए। इत्थे मतरेहाल दा है, नवे मतरेहाल दे विच रहिंदा, इहने मकान बनाया, मलवाना बंदा तो यदा सेवा ही है कि लोगों वर्ग लाना, लोगों की प्रॉपर्टी दे जड़ा ना वो खुरद बुरद करना कि ये पटवारियों के बच्चे पटवारियों नाल काम करता, उतो कागजा नाल खेडता एक दूसरे के नाल, तमाशा ने बनाया लोगों के कागजा नाल खेल के, लोगों का जी ज्यादा थे वो खेड खड़ गए ने, बहुत ज़्यादा समान अपना बना लिया। हर चीज का यह बंदा मजलूम है, यदि उन्हें जड़ा ना जगह बेची फिर बयाना लिया, बयाना लेने तो बाद एनू जुर्माना भी जड़ा ना 13,30,000 उन्होंने देना पै गया, पैसे भी जड़े है सन वह भी देने पै गए। यह मजलूम बंदा कोई दे विच मजदूरियां करता रहा, उतों पैसा लिया के इन्हें इत्थे लाया, इस जालम ने उहदे कोल भी खोता, मेरे को मेरे नाल सौदा किया 1,30,00,000 रुपए का, 1,30,00,000 रुपए का करके कहिंदा इहदे विच जिन्ना पैसा लगेगा मैं कोलों लाँगा। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਚੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ नजदीक ना लगो, यह प्रॉपर्टी का काम भी करता है पटवारियों ने ना। जैसा कि आपने देखा इनका बस मुतालबा यही है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनको वापस मिल जाए। इसी के साथ अपने हॉस्ट सचिन शबीर को इजाजत दीजिए, देख रहे हैं फ्रीडम पीपल नेटवर्क सियालकोट।